दिक्कतों का सामना करने के बाद यहाँ पे तेल टैंकर किस तरह से घुस रहा है देख पा रहे होंगे, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इसको। और यहाँ से देख पा रहे होंगे कि किस तरह से देख पा रहे होंगे, यही है फर्स्ट बाईपास जो आप यहाँ से दो अंडरपास आप क्रॉस करके डायरेक्ट सद्दलपुर स्टेशन होते हुए डायरेक्ट NH31 पे जाते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज स्वागत है आपका फिर से नया कमाल धमाल ब्लॉग में। तो गाइज जैसा कि आपको बता दूं तो आज मैं आया हूँ NH31 के बगल में जो सालिग्रामी रोड निकला है, सालिग्रामी गाँव होते हुए डायरेक्ट मुहेर ब्रिज अप्रोच रोड पे जो कनेक्ट हुआ है फर्स्ट बाईपास के लिए, तो उसी रोड पे मैं आ चुका हूँ। तो गाइज आज मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ से जो आप लोग भर भर के कमेंट कर रहे थे कि भाई फर्स्ट बाईपास का काम जो है अप्रोच रोड के बाद वाला बाईपास वाला काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके बारे में जानकारी लेने आया। तो गाइज आपको जैसा कि दिखा दूं इस जगह पे, तो आप देख पा रहे होंगे ये रही हमारी धन्नो। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो है रोड पिचिंग हो चुका है। और आपको बता दूं तो इधर से जो है आप हर बार हर वीडियो में आप लोग को जानकारी दिया हूँ कि इधर से आप खगड़िया से आते हैं और पीछे देख पा रहे होंगे तो इधर से आप बेगूसराय से खगड़िया जाते हैं। तो गाइस चलते हैं बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम लगाते हैं इंट्रो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो यहां से जो है आपको बता दिया इससे पहले भी कि यहां से खगड़िया से आने का रूट है और इधर से खगड़िया जाने का रूट है। तो यहाँ से खगड़िया आते हैं तो आप यहाँ से सीधा बेगूसराय बरौनी के रास्ते आगे जा सकते हैं। तो गाइस यहाँ से जो है अब हमारा राइड जो है स्टार्ट होता है इस जगह से, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट चलते हैं मुंगेर ब्रिज अप्रोच रोड पे। ये फर्स्ट बाईपास है मुंगेर ब्रिज अप्रोच रोड का। तो गाइस चलते, आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो है अभी फाइनल जो पिचिंग का काम जो है कम्प्लीट हो चुका है। तो इस जगह से हम लोग डायरेक्ट चलते हैं मुंगेर ब्रिज अप्रोच रोड पे। और गाइस अभी आप ही के जैसे 100 सब्सक्राइबर मिल गए थे तो वो भी बोल रहे थे भाई, तो कोई बात नहीं है, वो मिल के बोले कि भाई फलने जगह का वीडियो बना। तो मैं आप लोग से राय लेना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में कि आप लोग कैसा वीडियो चाहते हैं। गाइज यहाँ से हम लोग जो है सीधा चले जाते हैं मुंगेर ब्रिज अप्रोच रोड का फर्स्ट बाईपास। तो गाइज चलते हैं और थोड़ा सा आप लोग जो है सिनेमेटिक शॉट को एंजॉय कीजिए और जहाँ पे जानकारी होगा उस जगह पे मैं रुक के आप लोग को जानकारी दूंगा। तो यहाँ से NH31 से 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर के लमसम में आपका सद्दलपुर गांव पड़ जाता है, उसके जस्ट 50 मीटर के दूरी पे सद्दलपुर स्टेशन। गाइस आज मैं ये भी जानकारी आप लोग को दूंगा कि सद्दलपुर स्टेशन से आप कैसे कैसे आ सकते हैं, तो ये वीडियो में आप लोग देख के समझ जाइएगा। तो गाइस चलते हैं रोड पे। और गाइस आपको जहाँ तक हुआ जानकारी मैं आप लोग को दे दिया नया गांव के पास से, मुंगेर की तरफ से नया गांव के पास से कैसे बाईपास निकला उसका भी जानकारी आप लोग को दे दिया। अगर जो भी नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक मिल जाएगा आप लोग को। तो गाइस यहां पे देख सकते हैं, तो यहां पे भी जैसा कि मैं पहले बताया था आप लोग को, तो उस दिन जो है यहां पे साफ सफाई का काम चल रहा था और आज मैं देख रहा हूँ तो आज ये जो है बाईपास वाला रोड जो है फाइनल फिनिशिंग हो चुका है। तो गाइस चलते हैं बिना टाइम गवाए आगे मुंगेर ब्रिज अप्रोच रोड के पास और वहाँ पे भी देखते हैं कि वहाँ का भी कोई अपडेट नया आया है या नहीं आया। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और अगर जो वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, आपका जो अपना क्यूआर फैमिली है वो काफी बड़ा होना चाहिए। तो गाइस यहाँ से जो है आपका सद्दलपुर गांव जो है वो स्टार्ट हो चुका है और मैं आपको दिखाता हूँ सद्दलपुर गांव होते हुए जो है आप कैसे जाते हैं मुंगेर ब्रिज अप्रोच रोड पे। और गाइस जो भी जानकारी देता हूँ भाई जानकारी देता हूँ, कोई फेक जानकारी नहीं, कोई अपने मन से बना के जानकारी नहीं देता हूँ। आप लोग कमेंट करते हैं कि भाई रियल जानकारी दो तो मैं रियल जानकारी आप लोग के लिए लाता हूँ। मैं आपको बोर्ड पे दिखा दूँ तो ये बोर्ड पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है सद्दलपुर। तो गाइस हम लोग ऑलरेडी सद्दलपुर इन कर चुके हैं और यहाँ से जो है हम डायरेक्ट अब मुंगेर ब्रिज अप्रोच रोड जो है वो अभी लमसम में हम लोग का 0.5 किलोमीटर का रेंज में बचा हुआ है। तो गाइस NH31 से मुंगेर ब्रिज अप्रोच रोड जो है वो आपका 2 से 2.5 किलोमीटर पड़ेगा अगर जो आप लोग फर्स्ट बाईपास से आते हैं NH31। आप देख पा रहे होंगे कि इस जगह तक पिचिंग का काम जो है वो कम्प्लीट था और यहाँ से जो आगे है जो PCC का जो ढलाई है वो किया है इस जगह पे। तो आप देख सकते हैं गांव है और गांव के बीचों बीच से ये रास्ता जो है निकला है, छोटा सा रास्ता निकला है गांव के बीचों बीच से। तो गाइस चलते हैं सद्दलपुर स्टेशन होते हुए डायरेक्ट कैसे जाते हैं हम मुंगेर ब्रिज अप्रोच रोड पे उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो गाइस अभी जो है हमारे साथ
आए हैं हमारे मामा, मिस्टर मामा, तो बैठे हुए हैं गाड़ी पे। फर्स्ट टाइम वो हमारे वीडियो में आए हैं, तो मैं लास्ट इंट्रो में इनको जरूर लूंगा और दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, तो इस जगह पे ट्रैक्टर बाइक हर चीज से आदमी आना जाना करता है। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे, घर दिखा दो इस तरफ, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे सफदलपुर स्टेशन। जैसा कि मैं इससे पहले भी वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ, ये सफदलपुर स्टेशन है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे दो अंडर पास आपको देखने को मिल जाता है, जो कि रेलवे ट्रैक अंडर पास के ऊपर से जो है मुंगेर जमालपुर के लिए बनाया गया है। तो गाइस अभी हम लोग जो है अंडर पास के अंदर इन करते हैं, अंडर पास हम लोग इन करने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग जो है अंडर पास इन कर चुके हैं, यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं फिर आपसे। हम लोग अंडर पास से निकल चुके हैं और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो बाईपास का जो काम है इधर का काम जो है अभी नहीं चला है, लेकिन चालू हो चुका है काम, बहुत जल्दी ये भी पिचिंग हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको 31 से शालिग्रामी गाँव वाला रोड जो हो चुका है उसका काम मैं दिखा दिया। और इस जगह पे आप देख सकते हैं, तो छोटा सा अंडर पास आपको क्रॉस करना पड़ेगा और थोड़ा सा भाई आप लोग को ऑफ रोडिंग जो है, हर वीडियो में जैसा मैं बता चुका हूँ कि ऑफ रोडिंग यहाँ करना पड़ सकता है। और गाइस इधर थोड़ा सा आपको बाईपास के पास जो है धूल मिट्टी का जो है ना करना पड़ सकता है। तो गाइस धूल मिट्टी किस तरह से उड़ रहा है इस जगह पे देख पा रहे होंगे आप लोग। और मुंगेर ब्रिज अप्रोच रोड पे हम लोग चढ़ने वाले हैं, और ये फास्ट बाईपास है, जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोग को जानकारी दिया हूँ, ताकि अरे भाई आप लोग आते हैं मुंगेर से और गुम हो जाते हैं, बौक जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, और उसके बाद कमेंट करते हैं कि भाई कहाँ से फर्स्ट बाईपास। तो आप लोग देख लीजिए किस तरह से कहाँ से है फर्स्ट बाईपास जो मुंगेर ब्रिज अप्रोच रोड से निकला है। तो गाइस आपको एक बार मैं दिखाता हूँ इधर से, तो आप देख पा रहे होंगे यही है फर्स्ट बाईपास, जो आप यहां से दो अंडर पास आप क्रॉस करके डायरेक्ट सफदलपुर स्टेशन होते हुए डायरेक्ट NH31 पे जाते हैं। और ये सबसे आसान रास्ता होगा आप लोग के लिए, ये बाईपास जो है सबसे आसान रास्ता होगा NH31 पे जाने के लिए। अगर जो आप लोग खगड़िया की तरफ जाते हैं, तो यहाँ से जो है आप डायरेक्ट 0 माइल होते हुए डायरेक्ट खगड़िया चले जाते हैं। तो गाइस चलते हैं आगे मुंगेर ब्रिज के तरफ और वहाँ देखते हैं कि बैरीगेट का जो काम है वो कहाँ तक हुआ है, उसको जो मजबूत करने का काम किया जा रहा था, उसके बाद जो है फिर से डबल पिलर देखे इस पार में, जैसे मैं दिखाया इस पार में कहाँ तक काम हुआ है। और आप लोग कमेंट किए थे कि भाई ब्रिज पे लाइट का काम जो है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं, तो भाई आपको बता दूं, तो ब्रिज पे जो लाइट का काम है वो अभी लमसम में 10 दिन और चलेगा, उसके बाद जो है कम्प्लीट होगा। गाइस आपको दिख पा रहा होगा ये बैरिकेड। सो गाइस आप देख पा रहे होंगे इस जगह से, तो बहुत दिक्कतों का सामना करने के बाद यहाँ पे तेल टैंकर किस तरह से घुस रहा है देख पा रहे होंगे, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इसको। और यहाँ से देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ से गाड़ी जो है तेल टैंकर इन किया, और ये जो है डायरेक्ट मुंगेर लाल दरवाजा के तरफ जाएगी ये गाड़ी। तो गाइस आपको चलते चलते और भी जानकारी दूंगा, और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से मतलब गाड़ी को इन किया गया, गाड़ी घुसाया गया, तो इसके बारे में आप लोग क्या कमेंट करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दे सकते हैं। तो फाइनली जो भी जानकारी दिया हो, आई होप कि वीडियो में आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर जो जानकारी अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ मिस्टर मामा है, जैसा कि मैं आपको थोड़ा देर पहले बता चुका हूँ, तो हमारे मामा जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? भांजा को सपोर्ट कीजिए, लाइक और शेयर कमेंट। तो मामा कह रहे हैं भांजा को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। गाइस फाइनली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, हम मिलते हैं किसी नए कमाल धमाल ब्लॉग के साथ में। अगर जो गाइस आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लिए, सब्सक्राइब बटन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।